नमस्कार, केकेआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र के घाना इलाके में रहने वाले संजय पटेल ने जबलपुर एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की। संजय पटेल का कहना है कि बीते दिनों तिलवारा थाना क्षेत्र में तिलवारा पुलिस और खनिज विभाग की टीम द्वारा अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की गई थी। अवैध उत्खनन करने वाले सरपंच को उसकी शिकायत करने का शक संजय पटेल पर है, जिस पर अवैध उत्खनन करने वाले सरपंच राजेश पटेल और उसके अन्य साथियों व रिश्तेदारों द्वारा संजय पटेल और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी और गाली गलौज की गई, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं संजय पटेल का कहना है कि कार्रवाई के बाद से ही सरपंच राजेश पटेल द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर उस पर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो इसकी पूरी जवाबदारी राजेश पटेल सरपंच की होगी। वहीं जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने शिकायतकर्ता संजय पटेल की शिकायत पर तत्काल थाना प्रभारी तिलवारा को शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है और अवैध उत्खनन करने व धमकी देने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। लेकिन फिर हम देखेंगे आगे से इसमें नाम माइनिंग वालों को भी हम बोलेंगे कार्रवाई में, ठीक है सर? बस इनका अंतिम का आतंक बचना हो तो बिल्कुल खत्म कर देंगे इनका। पूरा मामला ये है, अभी जो रेत पकड़ी गई थी ना, कहाँ पर? ये घाना घाट में। ये उन लोगों को शक आधार ये है हम लोगों के ऊपर, इन लोगों का काम है। इस वजह से कल इन लोगों ने हम लोगों को पूरा घेर लिया रहा। चार से छः फोर व्हीलर इन लोगों को रोड में घूम रही थी, पूरा कट्टा पिस्तौल सब सामान लिए। उसके बाद फिर हमने एसपी साहब को फोन लगवाया, फिर पुलिस बल वहाँ गया, पर उसके बाद हम लोग एफआईआर दर्ज कराने आए। एफआईआर दर्ज हुआ जी, अभी भी कुछ कार्रवाई। एसपी कार्यालय आए हैं यहाँ, क्या कौन लोग थे ये, क्या नाम है? नाम है सरपंच पति राजेश पटेल, संतोष पटेल, रामजी पटेल, प्रदीप पटेल, अनिकेत पटेल, उपलल्लू, और भी इन लोगों के साथ में कम से कम 10 से 12 लड़के और इन लोगों के साथ। आपका नाम? सुखचंद पटेल। ये थाना तिलवारा क्षेत्र अंतर्गत थाना गांव में, जैसे कि आपको विजित है, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई हुई थी, जिसमें रेत के स्टॉक को जब्त किया था और वहाँ जो पास में जो अवैध परिवहन हो रहा था नाव वगैरह वो भी जब्त हुई थी। इस कार्रवाई उपरांत जो अभी आवेदक आए हैं उनका कहना है कि जो उसमें शामिल थे उस अवैध रेत परिवहन में, वो लोग उनको डरा धमका रहे थे। इसमें इन्होंने मुझको सूचित किया, मैंने तत्काल थाना प्रभारी को निर्देशित किया, वहाँ कोर्ट भेजा और इन पर कार्रवाई हुई, एफआईआर हो गई है, आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।